वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की खुशहाली की कामना और पितरों को तर्पण देने बद्रीनाथ धाम जा रहा हूं। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि उस बहादुर बेटी को प्रणाम करता हूं जिसने खुद को देह व्यापार में धकेले जाने के विरोध में प्राण दे दिए। साथ ही राज्य की चर्चित बैकडोर भर्ती घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि स्पीकर ही नियुक्ति अधिकारी है, वही रद्द करने के अधिकारी हैं। पूर्व सीएम रावत पितरों को तर्पण देने बद्रीनाथ धाम जाते समय कर्णप्रयाग पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि तर्पण देने बद्री धाम जा रहा हूं। वहीं अंकिता हत्याकांड पर कहा कि हिमालय की गोद में बने रिसोर्ट अंकिता जैसी बालिकाओं के लिए खतरा है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। तो भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, एक किसी को भी तर्पण करने के लिए जा रहा हूँ। राम का पाठ उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके देव अपना प्रदेश अपने समाज की सुभाषा करने जा रहा हूँ। उनका पकड़ा जाना काफ़ी है, वो भी 6 दिन लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको मालूम था पहले दिन से कि उसकी हत्या हो गई है और उसको नहर में डाला गया है। उसकी बॉडी को खोजने में हमको 6 दिन लगे।